आज से 5 दिन पहले बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पायरेंट हैं उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी और आज हम इनकी स्थिति जानने आए हैं। और मैं जिस मंशा से आया था, मैं आपको पहले बताऊं कि मैं ये सोच के आया था कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये बच्चे जो हैं क्या झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और अगर तो क्योंकि 5 दिन अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। और मैंने जब आकर इनको देखा, यहाँ पर आप भी देखें, इनकी स्थिति सच में ही धीरे धीरे जो है, क्योंकि खाने पीने वाले घर घर से हैं, फौज में जा रहे हैं, तो लड़ना मरना इनमें सामर्थ्य जो है वो काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे 10 थे 10 में से 3-4 तो ढीले हो गए हैं। और 5 दिन आप सोचें कि अगर खाना नहीं खा पाओगे तो कितनी बुरी हालत हो सकती है। और मैं आपको बताऊं तो कभी हमने भी ट्राई किया था, प्रयास किया था भूख हड़ताल नहीं, पर मैंने खुद अपने जीवन पर अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि भूख अगर आदमी 2, 4, 5 दिन भूखा रहता है तो उसके शरीर की जो स्थिति है वो किस दिशा में जाती है। तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि इनकी स्थिति क्या है, लेकिन ये अब उठना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, कैसी स्थिति है अब आपकी? सर ठीक है, जिन्हें रखे जाने सर ठीक है, लेकर अली तुस चली पा रहे हो, तुस थोड़े मजबूत ताकतवर लगते हो, थोड़ा चली पा रहे हो? सर चली नहीं सकते हैं, पर अली बैठे हैं जिंदे हैं अली, लेकिन अस गौरमेंट की जेड़े तरीक जेड़ी सोच ली अस सर इन्हें वोट किया 2014 दे लिए, अग्गे भी सर इन्हें वोट किया, लेकिन DDC इलेक्शन का साढ़ा सोच लिया सर कि इन्हें वैकेंसियां 1356 दी अस केह वोट करने इन्हें, साढ़े जम्मू कश्मीर लिए केह करा करदे न, उसलै सर साढ़ी कोई मंशा नहीं इन्हें वोट करने की कि असें वोट इस बारी नहीं करना, असें वैकेंसियां नहीं दिया भर्ती दे, एक 2000 कोई टाइम होंदा सर साले त्रै त्रै भर्तियां आदि ही, जागत साढ़े भर्ती होंदे, साढ़े भ्रा भर्ती होंदे हे, आंढी गुआंढी भर्ती होने सर असें बड़ा चाह आना, लेकिन सर ओह्दे बाद सर 2016 च भर्ती आई, ओह्दे बाद 18 च आई सर, 16 लिए 21 तक सर एक भर्ती दी इन्हें, ग्राएं जागतें कोला सर वोट लिया उन्हें सर एक भर्ती देनी, ओह्दे 1356 लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर जनाब पूरा बिच पाइए 1356 भर्ती दी इन्हें। और DDC इलेक्शन सर वोट देने साढ़ी कोई मंशा नहीं ही, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने जिसलै साढ़े कन्नै वादा किया 2000 वैकेंसी का, फिर सोचा है कि चल 2000 वैकेंसी होर आई जानी है, चल इस बारी फिर दिख लैने मतलब होर वैकेंसी दी, क्योंकि 2016 बिच सर त्रै लिस्टां निकलियां ही, हर बारी त्रै त्रै लिस्टां निकलदियां ही, ते जेहड़े बच्चे मैडिकल फिट होंदे हे ओहदे बाद भी सर जिन्हें टैस्ट पास जेहड़े टैस्ट फेल होंदे ओह भी बच्चे लैंदे हे बाद च, लेकिन जेहड़ा कि सर असें BJP गौरमेंट कोला सोचेआ सर उस कम्मा सर इन्हें कीता नहीं साढ़े कन्नै, फिर 2000 वैकेंसी सर साढ़े नाल वादा करिए ओह भी सर साढ़े नाल झूठ मारिए चली गए, ते जेल्लै अपनी DDC इलेक्शन जित्ती ले अपनी सर ताड़ियां मरवाई लेइयां ने लोकें कोला, भला अस जित्ती गए आ बच्चें सर कुसै ने दिक्खेआ नहीं। ओह गल ठीक है, इत्थै ज्यादा केड़ा बीमार होया ये तुसे भी भुख हड़ताल रखी तो चली सकदे हो नहीं? सर इत्थै दवारी मन गया ने चक्कर आई है दोनों भ्राएं दी। अच्छा, ये कुत्थे जा करदे हे? सर बाथरूम जाना है क्योंकि पानी तो पीया करदे ना, बाथरूम दूर जांदे उथे? ओ सर ओ थल्ले जांदे ने सर। अच्छा, ओ जित पहले तुस प्रदर्शन करदे रहे उधर आ जगह? हां जी आ जगह सर, उधर जन्ने आ बस बाथरूम में जाना होता सर, उत्थे तक भी नहीं जा सके उन्नी सर जान होंदा गनी सर, ये थोड़े कमजोर लगते हैं, तुस आपे जंदे उठे जा फड़िए लेना पवा करदा सर? जाने पंदा रेस्ट कर करके अगर थोड़ा जाना ना सांस फुल जाती है सर, ते उस तो बाद सर मन नहीं लगता कि कल शामी तक मैं समझे कल शामी तक सर मन नहीं लगता कल शामी तक मैं रह सर, क्योंकि सर सर अभी भी मुझे चेक किया जाना बुखार, क्योंकि जो पहले हमारे 80 दिन थे ना सर वो भी हमें एक टाइम खाना है सर, एक टाइम वो भी कभी मिलता सर कभी नहीं, बड़े दुख देखे सर, रात को मच्छर भी होता है कुत्ते भी सर यहाँ ही होते हैं मच्छर होता है, बड़ी मुश्किल दिन हो गया। हाँ आपके हाथ भी कांप रहे हैं पहले सर कभी अच्छा अरे हाथ कांपने होते सर मेडिकल फेल होता मेरा, लेकिन ये अभी हुआ है जो पहले सर 80 दिन थे ना वो भी एक टाइम खाना खाया हमने, अगर पहले हमने अच्छा खाना खाया होता ना जो ये 5 दिन ऐसे निकल जाते, लेकिन सर पानी से भी नहीं निकल सकते क्योंकि साइंस में लिखा हुआ है 3 दिन के बाद बंदा खाना खाने के बिना नहीं रह सकता सर, पानी से काम चला, कल से पानी भी छोड़ देना तो मुझे लगता मैं अपने आप को छोड़ दूंगा सर, अगर मेरी वजह से सबको जॉब मिलेगी तो बड़ी खुशी की बात है,
और जब जब हमारा कोई फौजी शहीद होता ना तो युवा में जोश आता, और मैं चाहता हूँ कि मैं शहीद हो जाऊँ और बाकी जम्मू वाले जाग जाएँ। और क्या चाहिए, मेरा बलिदान ऐसे नहीं जाएगा, बाकी तो जागेंगे ना मेरे जाने के बाद। और कुछ नहीं, हिम्मत मत छोड़ो। घर वालों से बात हुई आपकी? सर घर वालों को तो बताया नहीं मैंने कि खांगा साहिब पर, उनको तो मैं हर बार बोलता हूँ कि गुरुद्वारे में लंगर था, वो खाया। सर लंगर कहाँ से खाना, सर लंगर खा भी नहीं सकते हम, खाना भी नहीं है सर, क्योंकि अब लास्ट स्टेप है हमारा, जहाँ तो हमें जानी दो। नहीं अब तो आप घर वालों को बताते हैं, आपने घर वालों को ये बताया नहीं कि आप भूख हड़ताल पे हो? सर पता तो है उनको, पता तो है उनको, अब उनको सीधे मुंह कैसे बोलें कि हम ये कौन चाहता है, कौन सा माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे ऐसे भूखे रहें। हम अगर किसी बात से नाराज हों घर पर तो घर वाले खुद आकर थाली लेकर खुद मुँह में डालते हैं खाना कि बच्चा खाओ कोई बात नहीं। उनको क्या बताएं कि हम नहीं खा रहे हैं, उनको ऐसे बता रहे हैं कि हाँ हम खा रहे हैं। तो ये देखें, अपने माँ बाप को भी ये बच्चे जो हैं झूठ बोल रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बीमार। ये आप, ये जो आपके साथी ये नहीं उठ पाते? नहीं सर, पहले हम एक दूसरे से सहारा ले सकते थे, अब मुझे नहीं लगता सहारा देने वाला भी कोई बचेगा। आपके जो एस्पायरेंट हैं बाकी वाले कहाँ हैं? 1500 हैं, वो कहाँ हैं? सर कोई T20 का प्लेयर होता है, कोई टेस्ट मैच का प्लेयर होता है, हम लंबी पारी खेल कर जाएंगे सर, जहाँ अपनी जान देनी पड़े, लेकिन आने वाला जो हमारे छोटे भाई हैं उनके लिए आसान हो जाएगा, जिसका मेडिकल। वो भी हाल नहीं पूछ रहे हैं आपसे? सर लास्ट गल इतना मोदी जनाब, इतना वो बच्चे बैठे ने सर जिन्हें घर नौकरी जरूरत है, जेडे सर घर गरीब ने, और जिन्हें ग्राएं दे जात ने, जिन्हें देश की सेवा करने का जनून हों, हर ग्रां च कोई ना कोई भरा साढ़ा शहीद होता होंगे। लेकिन एक गल आखिए, जिनी 1500 समथिंग जी वैकेंसी आखा करते हो, जो उन्हें 2000 आख्या, तुम आख्या जी 2000 नहीं 1500 गए दौ, 1576 दौ, हूँ तुम उस डिमांड पर भी नहीं हटते जे इतने भुख हड़ताल कर रहे, जो जे इतने रोज़ बैठा करते उन्हें की नौकरी थी है सर? जेकर उन्हें 2000 वैकेंसी आखे तो देना उनका फर्ज हाँ, क्योंकि एड्डी वड्डी गल भी इन्नी है कि तुम इन्नी है, जेकर 5 साल सर तो 1356 नौकरी, हर साल एक फोर्स अंदर सर 1000 वैकेंसी बढ़ती है। नहीं उनकी गल ठीक है, मैं आखना तुसे आख्या कि तुस ओ लोग हो जेडे घर मजबूर गरीब हो, तुस इतने बैठे हो, बाकी आले नहीं बैठे थोड़े कन्ने ना, बाकी आले चलिए। सर उनकी एजा भी आने वाली पर्ची दिखनी है, वो एज भी दिखाई ना कि अस कुत्थे इतने खज्जल हो गए इन जातें कन्ने, क्योंकि हर फिर तुम उंदे वास्ते की मांग कर रहे हो? मैं हाँ जेडे जिन्हें हर इतने बैठे दे जेडे डेली इतने बैठते हैं उनकी किन्ने होने इतने किन्ने आते हैं? सर है ना कोई 40-50 मुड़े आ जाते हैं सर रोज़ जी। बड़े 40-50 अगर नौकर हो जाते कोई परेशानी है तुम्हें? सर परेशानी कुछ ही होंगी है सर, हूँ जेकर अस घर निकले अगर 80-85 दिन सर इतने बैठे दे ना, अस ये चाहते हैं कि जनाब एक बार ये आदि को ये बच्चे इतों उठी आन, इ'यां गै चली जान घर। जनाब अस इ'यां कि'यां चली आइए घर, घर कुछ ही मूंह दसगे, ग्रां च इ'नें सर उस चीज़ का पता नहीं है कि ग्रां च साढ़े ग्रां जाइए साढ़ी हालत दिखगन ना, कदें एक बार घर घर जाइए दिखन सर साढ़ी हालत केह् है घरें, वो चीज़ एक बार दिखी जान, क्योंकि वोट लैंदे मौका सर साढ़े घर नहीं दिखदे, साढ़े बेड़ा बैठी जंदे सर, तो साढ़े भ्रा हो, ये साढ़ी माँ है, साढ़ी भैन है, तुस साढ़ा साथ करो, अस तुसें जे सर लास्ट मौके भी आखे जेड़ी चीज़ चाहिए है तुसें बीजेपी गौरमेंट की तरफा मुहैया कराई जा, कोई ऐसी गल नहीं है, मकान भी देगे, नौकरियां भी देगे एक एक घर ही, लेकिन सर जो इलेक्शन जीती जाते बाद सर उ'ऐ गरीब भुली जाते, इंदी कोई समझ नहीं आई सर अहें, क्योंकि पहले भी गौरमेंट आई हैं, पहले भी बनी जाती है, लेकिन भर्ती के मामले सर फौज लिए सर कुछ दरवाजे बंद नहीं होंगे, लेकिन इस टाइम सर साढ़े तो सर फौज लिए भी दरवाजे बंद हुई है, हर एक टेस्ट क्वालीफाई किया सर, इन्ने इन्ने नंबर लिए 75-75 नंबर लिए सर इतने बैठे दे, लेकिन साड़ी कोई सर सुनवाई नहीं आनी है सर। रैना साहब और अहें आखते मैं बच्चे को मीडिया गा खेड़ते कि बच्चे को रोज जन्ने होंने अस उनका हाल चाल पुछने होंने। 5 दिन का आया कोई थे? सर 5 दिन का छड़िए सर 3 तरीक का लिए अली तक सर कोई नहीं आया। कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं? सर मेडिकल सुविधा अहें करनी की है सर, हूँ अहें लास्ट जी सी स्टेज चलाई ना, मेडिकल सुविधा की सर अहें जरूरत नहीं है, जहाँ तो अहें नौकरी दी है घर भेजी लो, अस अपनी नौकरियों से जाइए देश की सेवा करिए, तो जहाँ तो सर फिर हम साढ़े को मेडिकल सुविधा आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असें मेडिकल करवाना ही नहीं है। जेकर शहीद ही लैनी ना, जो शहीद का होना बार्डर भी होना जी है, जाना घर सर शान करना, ऐसी गल नहीं है, घर जाना बिल्कुल शान करना जाना, चाहे तिरंगे लपेटिए जाए जां वर्दी पाइए जाए, जाना घर शान करना जाना,
और साढ़े लोग भी देखने कि भरा साढ़े फौजी बनी आए हैं, क्योंकि साढ़े लोग ऑलरेडी सोची बैठे थे कि ये साढ़े भरा फौजी ने। बड़े लोगों सर असें आखिया कि भला मुबारखा तुम तो फौजी होइए हूँ देश का नाँ रोशन करो, लेकिन असें थोड़ी पता कि साड़ी गौरमेंट ने असें फौज गी फौज बिच्च गै नहीं जान दिया दी। फौज बिच्च तो सर इंदा एक इंदा भी फर्ज बनता कि जेडे भरा किश दुनिया तो सर फौज के नाँ कोला डरती है, लेकिन अस जबरदस्ती फौज बिच्च जा रहे हैं कि असें अपनी देश की सेवा करनी है तो असें फौज बिच्च जाना है, लेकिन नहीं सर गौरमेंट आखदी फौज बिच्च भी नहीं जाना। तुसें सर इन्हें सनाई ओड़ो कि असें जाना कुत्थै 370 त्रोड़ी ऐ भी तुसें असें फौज बिच्च भी नहीं भेजे, तुस आखा 50,000 नौकरी देनी कुसी देनी सर तुसें नौकरियां, अग्गें तुस बाहर देगे जेल्लै अस ओवरेज होई गे सब किश असें तुं'दे इत्थै कीता, असें दौड़ां बी कड्डियां रिटर्न बी कड्ढे मैडिकल सर ट्रेनिंग कड्ढी सर 3 महीने इत्थै असें, एह्दे कोला आह ट्रेनिंग सर फौज बिच्च नहीं होई सकदी, जिन्नी ट्रेनिंग असें इत्थै करी ली ना इन्नी ट्रेनिंग सर आह उत्थै नहीं होई सकदी। तुस भी भुख हड़ताल पर जी अली है हिम्मत नहीं? हिम्मत सर तुसें पता गै 5 दिन होई गए अजे, सिर्फ पानी उप्पर बंदा किन्ना चिर टिकी सकदा है। कोई नहीं आया कोई बाकी थुआढ़े जेहड़े एस्पायरेंट न बाकी आले फोन करदे नहीं? एस्पायरेंट भी सर कुछ ऐसे न कि ओह सोचदे कि ये बैठे दे न, इंदे बैठने कन्नै साढ़ा काम भी बनी जाग, चलो बनी आ सारे दा चंगी गल है, लेकिन सर एस्पायरेंट एक मैसेज देना चाहना कि इत्थे आओ इत्थे सारे मिली जुलियै बैठो ताकि जेड़े बीजेपी दे नेता ने उन्हें पता लगे कि बच्चे हाँ सच्चे इन्ने 1556 बच्चे आए हैं इन्हें घर बैठे मिली जुलियै के बैठो। हुण ते मी लगदा ये भी बीमार हो गए थे, ये दिखाओ अरुण जी कैमरा लगाओ ये बताओ ये बीमार हो गए पीछे ये पीछे जो लड़का है वो बीमार हो गया? बीमार है सर 5 दिन होए सर जिन्हें रोटी नहीं खाधी रोटी भी ना किन्ना उपरा इन्नी गर्मी है नहीं तुसा आखा करदे हो पानी पिया करना पानी है सर किन्ना चिर के जी सकदा बंदा, लेकिन सर कल दा बाद पानी भी पीना बंद करी ओड़ना अगर इंदे विच कुछ होंदा कुछ भरा दी ते एरे जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होग ते बीजेपी दे नेता होग खास कर जिन्हें वादा कीता था। अच्छा हमारे साथ भारत रक्षा मंच के रोहित बजरंगी हैं यहाँ पर। अच्छा रोहित जी ये स्थिति हो रही है बच्चे अब बीमार हो रहे हैं चल नहीं पा रहे हैं इनमें हिम्मत भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है ऊर्जा भी ख़त्म हो रही है पानी के सहारे कब तक रहेंगे और यहाँ कोई पूछने के लिए भी नहीं आ रहा। दीपक जी हम यहाँ बैठे हैं अभी आप देख रहे हैं कि हालत क्या है और ये 80+ दिनों से जो ये हमारे जम्मू के युवा यहाँ बैठे हैं इनके अंदर एक उम्मीद जो थी ना वो उम्मीद यही थी कि जो इनको आश्वासन मिले थे कि आपका जो है आपको हम एडजस्ट कर देंगे ये वही कुछ ना एक उनके अंदर एक टॉनिक की तरह वो कितनी देर तक काम करता रहा। इनको भी लगा कि चलो हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है तो हमारा जो है वो हो जाएगा, बट जब 80-82 दिन तक जब इनका वो कुछ नहीं हुआ इनकी हिम्मत टूट गई। अब आपके सामने आप हालत देख रहे हो इनकी क्या हाल है, हमें यहाँ पे बैठे अभी 10 मिनट नहीं हुए तो हमारी बुरी हाल। ये आपके ऊपर थोड़ा कैमरा करीब करके दिखाओ ऊपर मच्छर देखो कितने घूम रहे हैं ये तो काटेंगे है, मलेरिया हो जाएगा, ये बच्चे कैसे रह रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रही। ये जो यहाँ पे रह रहे हैं ना इनके अंदर बस वही जज्बा है देशभक्ति का, देश के प्रति जो इनके अंदर एक देश की वर्दी डालने की जो इनके अंदर वो कसक है ना ये उसी के सहारे मेरे को लग रहा है यहाँ बैठे हुए हैं। इतने मच्छर में ऐसे माहौल में तो बड़ा मुश्किल मुझे लगता है कि कुछ। आप क्या मांग करना चाहोगे इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये अब जिस तरह की हालत दिख रही है तो ठीक नहीं लग रहा और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को इनको यहाँ से उठाना नहीं है कोई नहीं, ठीक है जाने दो मर जाने दो क्या फर्क पड़ जाता है, ये कौन सी सोच समझ आ गई आज? देखिए दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है क्योंकि आज मैं कम से कम 10-15 दिन के बाद इन बच्चों के पास आया हूँ। लास्ट टाइम मैं इनके पास तब आया था जब इनको पुलिस ने जब जबरदस्ती हमने देखा था इनका उठा के ले गए थे इनका खाना वगैरह जब सारे बर्तन वगैरह फेंक दिए थे, उसके बाद मैं आज आया हूँ इनके पास। और मैं आज मेरा आने का मकसद कोई यहाँ पर राजनीति करना नहीं था कोई मेरा वो कुछ नहीं, मेरा सिर्फ ये आश्वस्त करना था कि भाई हम भारत रक्षा मंच जो है अपने जम्मू के युवाओं के साथ है। आज हम अपने से थोड़ा सा सब पानी की ही हमने कहा चलो बच्चों को पानी एटलीस्ट भूख हड़ताल है खाना नहीं खा रहे कम से कम चलो पानी की जो हम सुविधा जो है बच्चों मेडिकल सुविधा क्योंकि ये चल नहीं पा रहा वो एक यहाँ पर था वो रोने लग गया था अभी जो अभी आपने जिस भाई छोटे का इंटरव्यू ले रहा था आप देखे उसकी आंखें नम हो गई वो बोलते लगा कि भाई
उसको देख के हमें भी बड़ा, वो तो कह रहा मैं कल ही प्राण छोड़ दूंगा जिस तरह की उसकी स्थिति दिख रही है। वो कह रहा वो इतना हार गया। वो हारा नहीं है, इनको हराया गया है। इनमें से कोई हारने वाला नहीं है। जो देशभक्ति का जज्बा लेके आते हैं वो कभी हारने वाले नहीं होते। उनको दुश्मन की गोली नहीं हरा सकती। आपने राकेश्वर सिंह मनास का देख लिया, एग्जाम्पल है। नक्सलियों के कब्जे में भी वो हमारा जम्मू का शेर मुस्कुरा रहा था। ये भी जम्मू के ही हैं, ये भी हमारे वही शेर हैं। बट इनको ये हारे नहीं, इनको हराया जा रहा है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही मांग रहेगी कि जो ये बच्चे हैं यहाँ पे, मैंने इनसे भी अभी बात कर रहा था कि टोटल 1500 एस्पायरेंट्स हैं, जिनमें से 40 प्लस जो हैं वही यहाँ पे जो इस समय हैं, इस समय क्या 80-82 दिन से वही हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ तो एज इसके बाद नहीं रहेगी भर्ती देखने की, बहुत ही मजबूर हैं कि नौकरी के सिवा इनके पास दूसरा और कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि एक तो आपको पता है फौज में जाने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। इन्होंने अपना सारा समय उसमें लगाने के बाद जब मेडिकल भी इन्होंने क्लियर कर लिया, रिटर्न भी क्लियर कर लिया, इसमें फिजिकल जो स्पोर्ट्स होती है रनिंग वगैरह इन्होंने वो भी क्लियर की, तो उसके बाद बच्चों को यूँ नज़रअंदाज करना और यूँ भूख हड़ताल में बैठना ऐसे ओपन में, मैं चाहूँगा कि एक बार आप वो भी दिखाएं वो दृश्य देख के, तो मेरे को ऐसे लग रहा है वो जूते हमें पड़ रहे हैं। ये जूते देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बारिश की वजह से भीग गए। ये जूते बारिश की वजह से भीग गए, इन लोगों ने सुखाने के लिए ऊपर रखे हैं। तो ये वस्त्र भी, ये कपड़े भी, ये सब भीग गए थे। देखिए ओपन में इनका कुत्ते सोते हैं हमारे साथ, तो वो शूज वगैरह उठा कर ले जाते हैं। कितने भाइयों की चप्पल और शूज लेकर चले गए हैं कुत्ते, इसी वजह से हम वहाँ पे भी रख देते हैं। एक बिस्तर गिल्ला हो गया ना सुखाने लिए, एक दरी वहाँ पर सुखाने के लिए रखी है हमने इसीलिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि इनकी डिमांड जेन्युइन नहीं है, जो 1356 जो वैकेंसी थी वो क्लियर कर ली है, हम उनको एक बात बताना चाहते हैं कि किसी लीडर ने वादा किया है तो अब उस लीडर से उसके वादे के बारे में पूछना क्या जेन्युइन नहीं होता क्या? उस लीडर ने वादा किया तो हमारा जनता का फर्ज है कि लीडर से पूछना, हाँ भाई तेरा वादा कहाँ गया? हम वही तो कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि वादा आपका कहाँ, अपना वादा जो किया था वो वादा पूरा करो। और तो जहाँ की बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, उनको भी पता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वादा किया है लड़कों के साथ। यूं ही नहीं उन्होंने वो एप्लीकेशन लेटर वगैरह भेज दिए इतने, उनको क्या फायदा था लेटर वगैरह भेजने का, उनको क्यों सिरदर्दी लेनी थी हमारी? कहीं ना कहीं उनको पता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वादा किया है, तो इस वादे के बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह नहीं अगर देख रहे तो मैं देखूं। उन्होंने उनसे जो होता तो उन्होंने किया, जो उनसे बनता था उन्होंने कर दिया। अभी जो काम पीएमओ एमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कर सकते हैं वो रैना जी नहीं कर सकते। उनको इतना पता है कि जितेंद्र सिंह जी ने वादा किया है, तो उन्होंने अपने तरफ से जो उनका बनता था उन्होंने कर दिया। आप भूख हड़ताल पे नहीं? नहीं जी नहीं, इसलिए तभी आप में ताकत और आवाज। और तो जो भूख हड़ताल पे है उनको बोलने की जरूरत नहीं है, आप उनके चेहरे से देख सकते हो कि कौन भूख हड़ताल पर है। आप घूम कर देख लीजिए, आप खुद बता देंगे कि ये बंदा भूख हड़ताल पर है, ये बंदा नहीं है। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखिए, अब मैं यही चाहूंगा कि ये जितने यहाँ जो बच्चे हैं, देखिए इस समय ऐसा है कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 1500 कुछ एस्पिरेंट्स हैं, उन 1500 में से यही 40-45 जो हैं जिनको जरूरत है और जो संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है जरूरत सबको होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि लोग बंदे सोचते हैं कि ये बैठे हुए हैं हमारा भी हो ही जाएगा, हम क्यों बैठे। देखिए तो ये एक प्रॉब्लम है ना, थॉट प्रॉब्लम है। नहीं, ये थॉट प्रॉब्लम होगी, बट जो रियलिटी है ना, जो रियलिटी जो आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं, आप यहाँ पे ऑन ग्राउंड देख रहे हो, जो मैं भी देख रहा हूँ, वो यही है कि ये बच्चे जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में बैठे हैं ना, इसमें सामने दिखता है कि कितने मजबूर हैं ये। एज इनकी हो जाएगी, नेक्स्ट ये भर्ती नहीं देख सकते। आर्थिक स्थिति, जैसे आपको छोटे भाई जो अभी बोल रहा था, जो बोलते बोलते जिनकी आंखें नम हुई आपने सुनाई, मैं ये चाहता हूँ ये जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है ना, मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के लीडर्स से मैं ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये जो बच्चे हैं इनको आप कंसीडर कीजिए। 40 प्लस जो बच्चे हैं इनको कंसीडर कीजिए, इनसे आइए, इनसे बात करिए। जम्मू का किसी बच्चे को इस प्रकार अपनी शहादत, जो देश की सरहदों पे या दुश्मन को मारने मरने मराने के जो जज्बा लेके आए, वो इस प्रकार से अपनी वो प्राण त्यागेंगे क्या?
जैसे वो अभी छोटा भाई बोल रहा था, मुझे नहीं लग रहा मैं कल का दिन भी निकाल पाऊंगा। तो ये सारी जो स्थिति है ना, जो भ्रम की बनी है, ये जिन राजनीतिज्ञों ने या जो भी, मैं कहता हूँ बच्चों के पास जो भी आएगा, देखो ये दुखी है, इनके पास जो भी आएगा इन्होंने वेलकम करना है, ये किसी को वो नहीं कह सकते। कुछ अगर किसी के मन में ऐसा थॉट चल रहा हो कि राजनीति हो रही है, ये है वो है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये 40-45+ जो बच्चे हैं, आप इनको अगर वहाँ पे नहीं कंसीडर कर सकते, आप इनको स्टेट में तो कहीं कंसीडर कर ही सकते हैं ना। हमारी जम्मू की कितनी पुलिस की फोर्स, आर्म पुलिस है, IRP है, कितनी बटालियंस हैं यार, ये 50 बच्चे नहीं आप एडजस्ट कर सकते यार, वो भी इतनी मजबूरी और हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, कल को किसी बच्चे को कुछ हो जाएगा। लास्ट टाइम 2008 में तो चलो जो हुआ था हमें याद है, बट अब अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। इसलिए किसी न किसी को यहाँ पे आना चाहिए, इनसे बात करें, बच्चों के पास आके, ये हमारे जम्मू के बच्चे हैं, ये कोई रिफ्यूजी रोहिंग्या वो नहीं है। जो हमें पता है ना, जब रोहिंग्या बांग्लादेशियों का कुछ होता था तो यहाँ पे बड़े बड़े नेता भागते थे, उनको पानी कोई खाना कोई कुछ लेके जा रहा है। अरे ये तो अपने जम्मू के हैं, इनकी कौन सुध लेगा, आप हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली प्रायोरिटी इनको उसी में दी जाए, BSF CISF में। मैं केंद्रीय मंत्री अपने जितेंद्र सिंह जी से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, बिल्कुल आपके घर के सामने ही बैठे हैं, अगर ये अपने घर की गैलरी से भी अगर बच्चों से बात करेंगे ना, तो यहाँ से इनसे बातचीत हो सकती है। कोविड चल रहा है, नहीं आ सकते पास, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मीडिएटर तो कोई ना कोई बात तो कर सकते, आश्वासन दें बच्चों को, कुछ तो क्लियर करें। पहला आश्वासन दे दिया आपने, चलो वो दिख रहा है हमें, बट एक चीज़ क्लियर तो करो यार बच्चों को, हो सकता है नहीं हो सकता, क्लियर करो। वो तो क्लियर कर चुके हैं कि नहीं हो सकता, अब किस तरह से वो क्लियर करें ये बात समझ नहीं आ रही। अब इनकी भूख हड़ताल, बच्चों का इस भूख हड़ताल का क्या, क्या ये बच्चे यूं ही ऐसे ही मर जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे बैठे बैठे मर जाएंगे, ये क्या हो गया कि उन्होंने बोल दिया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करो, कोई बात तो करो, एटलीस्ट बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं यार, कोई ना कोई मीडिया में कोई रिपोर्ट दो, कुछ ना किसी को एड्रेस कर दो, कोई अपनी ही पार्टी का कोई बंदा भेजो, कोई सीनियर लीडर भेजो, बोलो बच्चों को, बोलो आश्वस्त करो, कहीं ना कोई समझाओ कि बेटा नहीं हो सकता, हम ये वाले यहाँ कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं, डोगरी चाहते ना अन्ने बन्ने करो यार, ये कैली खज्जल करा देते हम, ये तो किसम का पहले मुर्दे बनाने फिर बाद मुर्दे खज्जल करने। अपनी IRP है, JK आर्मड पुलिस है, उत्थे कितने एडजस्ट करी ओड़ो नहीं, कोई थोड़ी पेन तो लाओ ना बच्चे वास्ते, थोड़े दिल च अंदर मी पता नहीं केड़े चक्कर च होई, एड्डी साढ़े जम्मू च एड्डा कैडर है यार, इन्ने बड़े बड़े लीडर बुलाना, कोई भी नहीं इंदे कोल आदा। जब तक अपने सर पे गिरेगी नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, अपना बच्चा होता तो पता चलता, ऐसा कुछ है वैसा अपने बच्चों के लिए। तो फिर बच्चे भी कह भी रहे थे कि अपने बच्चों की बात आती है तो स्पेशल एक एक पोस्टें भी निकल जाती हैं जब अपनों की बात आती है। और मेरे को बताओ कौन से हमारे लीडर का, स्टेट तो छोड़ो देश में कौन सा ऐसा लीडर है जिसका बच्चा फौज में जा रहा है। यहाँ पे तो वैसा होना चाहिए कि किसी ना जो लीडर बन रहे हैं ना उनको अपने बच्चों को देशभक्ति के, जो हम बड़ा बड़ा फेसबुक पे सोशल मीडिया पे ये लिखते हैं ना, इनका कितनों के बच्चे हैं, और जिनके जा रहे हैं उनका दुख दर्द तो समझो, उनका मरम तो समझो, इनका मरम कुछ नहीं जानो। और सबसे बड़ी बात है BJP कार्यालय के बिल्कुल सामने बैठे, इससे बड़ी और मैं कहता हूँ गिनो, मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे, क्या बोलूँ मैं आपको दीपक जी, बस यही कहूँगा कि इन 40-45 जो बच्चे हैं इनको कंसिडर किया जाए, यहाँ नहीं BSF CISF में नहीं, अगर आप इनको कर सकते तो जो स्टेट में है, स्टेट में जो हमारी जो बटालियन है फोर्स बेल्ट फोर्स की, वहाँ पर इन बच्चों को एडजस्ट करिए जी। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुछ शब्द हैं कि तेरे घर पर आए हैं, कुछ लेकर जाएंगे, या तो झोली भर के जाएंगे या फिर कुछ करके जाएंगे, यही हाल है इन बच्चों का। ये देखें अब हिम्मत छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, 5 दिन हो गए हैं, और शुरुआत में ही मैंने कहा थी कि मैं यही जानने आया था, मुझे लग रहा था कहीं ये, क्योंकि ये बच्चे हैं तो हो सकता है शाम को कहीं रोटी वोटी खा रहे हों, तो जब कोई खाना खाता है तो उसमें जोश ताकत दिखती है, लेकिन इन बच्चों में वैसा दिखा नहीं। तो मैं भी देखकर बड़ा परेशान हुआ कि यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है ये जानने के लिए कि इनकी स्थिति कैसी है। क्या किसी नेता को भी ये बात इसकी नहीं पड़ी कि ये हमारे अपने यहाँ के बच्चे हैं, और इनकी जो मांग है अगर वो ठीक है जेन्युइन नहीं है तो एक बार क्लैरिफिकेशन दें इनको, बताएं इनसे, बात करें। हाँ सर, जो हम यहाँ पर आए हैं ये हमारी कोई जिद नहीं है कि हम जिद के आगे की जिद करी है हमने कि हमने नौकरी लेनी है। सर हमें यहाँ तक खींच कर लाया है डॉक्टर जी का वादा,
हम उस वादे पर आए हैं यहाँ पे। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, वादा किया था निभाना पड़ेगा। आशिकों ने बहुत सारे गीत ऐसे गाए हुए हैं, और जिन्होंने आशिकी की है, दिल लगी की है, तो वो इस दर्द को शायद जान पाएं कि ये क्या कह रहे हैं। और जो लोग वादे करते हैं अगर वो निभाए नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अभी यहाँ समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब आके इनको समझाएं कि ये फिर यहाँ से खुद उठ कर जाएं। ये मानने के लिए तैयार नहीं है और इनकी स्थिति अब बिगड़ रही है। अगर इनको मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर नहीं दी गई, वैसे तो ये मान नहीं रहे मेडिकल सुविधाएं लेने के लिए, फिर भी अगर आसपास गाड़ियां नहीं रही और ये लोग, इनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? हमें लगता है इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।